ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को कार में सीट बेल्ट न लगाना महंगा पड़ गया। ये दूसरी बार है जब सरकार में रहते हुए ऋषि सुनक पर जुर्माना लगाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के आरोप में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लंकाशायर पुलिस ने शुक्रवार को पीएम के खिलाफ 100 पाउंड का चालान जारी किया है। हालांकि सुनक 2 दिन पहले यानी गुरुवार को इस मामले में माफी भी मांग चुके हैं। आपको बता दें कि जून 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी पत्नी कैरी के साथ पार्टी करने पर भी ऋषि सुनक पर पेनाल्टी लगी हुई थी। उस समय सुनक लॉकडाउन के नियम तोड़ते हुए डाउनिंग स्ट्रीट में एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे और अब फिर से यूके प्राइम मिनिस्टर को जुर्माने का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अपनी सरकारी कार में वीडियो बना रहे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गलती पर लंकाशायर पुलिस ने उन पर 100 पाउंड का जुर्माना लगाया है। लंकाशायर पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। हालांकि इसमें पीएम सुनक के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने लिखा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लंकाशायर में एक चलती कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 20 जनवरी को लंदन में एक 42 साल के व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है। लंकाशायर कांस्टेबलरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ऋषि सुनक का एक वीडियो शेयर भी किया है और कहा है कि आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें लंकाशायर में एक शख्स ने चलती गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाया है। इस मामले में जानकारी ली गई है और हमने लंदन के एक 42 साल के शख्स पर फिक्स्ड पेनाल्टी लगाई है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने इस पूरे मामले को लेकर माफी भी मांग ली है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी उनके ऑफिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से मानते हैं कि ये एक गलती थी और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। वो बिल्कुल फिक्स्ड पेनाल्टी भरेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ये वीडियो क्या है। इस वीडियो को पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इसमें सुनक कार में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई और उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। वो इसमें सरकार के लेवलिंग अप एजेंडा पर बात कर रहे हैं। कार के साथ साथ पुलिस की गाड़ियां भी चल रही थी। दिलचस्प बात तो यह है कि इस वीडियो के साथ ही सुनक पर दूसरी बार जुर्माने का सामना कर रहे हैं। पिछले साल भी उन पर और बोरिस जॉनसन पर सरकारी नियम तोड़ने पर जुर्माना लगा था जब सुनक बोरिस और उनकी पत्नी के साथ 2020 में डाउनिंग स्ट्रीट में कोविड नियमों को तोड़ते हुए एक पार्टी में शामिल हुए थे और जश्न मनाते हुए उन्हें पकड़ा गया था, जिसके चलते उन पर पेनाल्टी लगाई गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।